हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मेरा नाम है मोहित त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जीएसटी का कॉन्सेप्ट सीखा था कि जीएसटी होता क्या है। हमने बताया था ये इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, IDT। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि ये तीन पार्ट्स में होता है, CGST, SGST और IGST। CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और IGST का पैसा पहले आपका जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रिएम्बर्स कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब हमने पढ़ा था कब लगता है CGST और कब लगता है SGST। तो जब आपकी सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, तो आपका लगता है CGST और SGST। मैंने आपको समझाया था ये एक पर्सन है आपका, ये है मिस्टर ए, ये है आपके दिल्ली के, ये आपके हैं दूसरे पर्सन मिस्टर बी, ये भी दिल्ली के। तो इन दोनों के बीच आपस में अगर ट्रांजैक्शन होगी सेल या परचेज की, सेल या परचेज की, तो इस ट्रांजेक्शन में आपका लगेगा CGST और SGST। और ये आपकी सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन है तो इनको बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स जब आपकी सेम स्टेट की सेल होगी और सेम स्टेट की परचेस होगी तो आपका लगता है CGST और SGST। IGST आपका कब लगता था? जब ये आपके मिस्टर ए हैं, ये आपके मान लीजिए पंजाब के हैं, ये आपके मिस्टर बी हैं, ये आपके दिल्ली के हैं। अब इनके बीच आपस में अगर सेल परचेस की ट्रांजेक्शन होती है तो बच्चों यहां पे स्टेट चेंज हो गया आपका, एक पर्सन दिल्ली का है, एक पर्सन पंजाब का है। तो ये होता है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। तो जब आपकी सेम स्टेट में सेल परचेस होगी तो वो आपके इंट्रा स्टेट, दिल्ली की दिल्ली में, पंजाब की पंजाब में, और जब आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होगी तो वो आपकी है इंटर स्टेट, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से मुंबई यानी महाराष्ट्र, दिल्ली से कोलकाता, पंजाब से हिमाचल, पंजाब से बिहार, या आपकी डिफरेंट स्टेट हो गई। तो जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका लगेगा IGST, यहां पे आपका लगेगा IGST, और यहां पे आपका लग रहा था CGST और SGST जब आपका सेम स्टेट था यानी विद इन द स्टेट। तो और हमने क्या पढ़ा था बच्चों? और हमने सीखा था परचेस की एंट्री कैसे बनाते हैं अगर जीएसटी हो। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि परचेस के एंट्री हमने कैसे बना के दिखाई थी। ये देखिए, ये हमारी परचेस की एंट्री थी कुछ जो हमने बनाई थी कि परचेस करी है राम से प्लस CGST SGST। तो मैंने आपको इनका नेचर बताया था कि जो आप जीएसटी पे करते हैं उसका नेचर होता है एसेट। तो यहां पे आपका परचेस अकाउंट डेबिट हो गया था, आपने जीएसटी पे करा CGST और SGST, इसका मतलब ये आपकी ट्रांजेक्शन रही होगी इंट्रा स्टेट। जब आपका CGST एजिस्ट लगेगा तो वो आपकी ट्रांजेक्शन होगी इंट्रा स्टेट। तो यहां पे मैंने इनपुट CGST डेबिट किया, इनपुट SGST डेबिट किया टू राम। राम क्यों आया? क्योंकि उधार है, परचेस आपका एक्सपेंस है, और जीएसटी जो आपने पे करा है CGST और SGST ये आपका एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपको गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा, जो आपको टैक्स पे करना है उसमें से ये लेस हो जाएगा, इसलिए आपका एसेट होता था।
नेक्स्ट एंट्री थी हमारी परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 10,000, चार्ज आईजीएसटी एट द रेट 12%। इसमें आपका इनपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ था, बाकी सब सेम था क्योंकि ये आपकी इंटर स्टेट की ट्रांजेक्शन होगी। जैसे ही आपका आईजीएसटी आए, आप समझ लो ये ट्रांजेक्शन आपकी इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। फिर हमने मशीनरी खरीदी थी तो मशीन पे भी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट हो गया था, बाकी एंट्री नॉर्मल थी मशीनरी टू बैंक। यानी इन शॉर्ट, जब आप जीएसटी पे करेंगे तो आपका इनपुट जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी आपका एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, या तो सीजीएसटी के नाम से डेबिट होगा, या इनपुट एसजीएसटी के नाम से डेबिट होगा, या इनपुट आईजीएसटी के नाम से डेबिट होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रांजेक्शन या तो इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है उस पर। तो आइए आज कुछ और देखते हैं आगे। अब मैंने आपकी कुछ एंट्रीज ली हैं, ये एंट्री आपकी है सेल्स की। आज हमारा लेक्चर 7 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था परचेस का सारा काम। आइए देखते हैं, सेल सोल्ड गुड्स टू रमेश। आपने रमेश को गुड्स बेचे 4,50,000, 50,000 रुपये में। चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। तो आइए देखते हैं, पहले मैं एंट्री बनाऊंगा विदाउट जीएसटी, जैसा आप लोग पहले करते थे, और यहां पे बनाऊंगा विद जीएसटी। विदाउट जीएसटी में आपने राम को गुड्स बेचे, तो नाम दे रखा है, इसका मतलब है उधार है। तो उधार में आपका क्रेडिट सेल बोलते हैं, तो डेटर आपका डेबिट हो जाएगा, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। जब जीएसटी के बगैर बनाएंगे, बिना जीएसटी के बनाएंगे, तो आपका जीएसटी का कोई रोल नहीं है। सेल्स आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और रमेश आपका डेटर इंक्रीज हो गया। आइए देखते हैं विद जीएसटी में, रमेश तो आएगा, आएगा आपका रमेश डेबिट, या आपका आएगा 50,000, सॉरी ये अमाउंट बाद में लिखूंगा, रमेश डेबिट टू सेल्स भी आएगा आपका। सेल्स आपकी 50,000 की है, सेल्स आपकी 50,000 रुपये की है। इस पे आपको जीएसटी लगाना है, इस पे आपको जीएसटी लगाना है। आप सब जानते हैं परचेस पे जीएसटी पे करते हैं तो एसेट है, सेल पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे मींस गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो जीएसटी जो हमारा कलेक्ट वाला होता है, जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब पे करते हैं तो नाम होता है आउटपुट, सॉरी जब कलेक्ट करते हैं तो नाम होता है आउटपुट, और जब पे करते हैं तो नाम होता है इनपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 50,000 रुपये का 6%, ये आपको हो गया 3,000, और ये भी आपको हो गया 3,000, टोटल आपका जाएगा 53,000। तो जब भी आपका जीएसटी होगा तो पहले आप सेल्स या परचेस में फिगर लिखेंगे, उसके बाद टैक्स लगाएंगे, फिर आपका डेटर या क्रेडिटर में अमाउंट आएगा टोटल करके। यानी आपको रमेश से केवल 50,000 रुपये नहीं लेने, जो आप सॉरी 56 आएगा, 3 3 6, आपको डेटर से केवल 50,000 नहीं लेने, आपको डेटर से लेने पूरे 56,000। 3,000 आपको लेने आउटपुट सीजीएसटी के, 3,000 आपको लेने आउटपुट एसजीएसटी के। तो ये हो गया आपका जब आपके जीएसटी में एंट्री होगी। मैं फिर से समझा देता हूँ, विदाउट जीएसटी आप करते थे डेटर टू सेल, यहाँ पे नाम है रमेश तो रमेश टू सेल्स, यहाँ पे आप कर रहे हैं विद जीएसटी, इतनी एंट्री तो होगी ही होगी, लेकिन आप जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को आपको पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। तो जो पे करने वाली लाइबिलिटी होती है उसका नाम है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी बोला। और जैसे ही सीजीएसटी एसजीएसटी आया, तो आप समझ लो ये जो आपकी सेल है, ये आपकी सेल है इंट्रा स्टेट, ये आपकी सेल हुई है इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट में। सीजीएसटी एसजीएसटी आने का मतलब है आपने सेल करी है इंट्रा स्टेट में, या परचेज करी है इंट्रा स्टेट में। इन शॉर्ट आपकी ट्रांजेक्शन है इंट्रा स्टेट, डेट इज सेम स्टेट की, विद इन द स्टेट। तो आपने सीजीएसटी क्रेडिट कर दिया और एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये आपको पे करना है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं,
सोल्ड गुड्स टू अर्नब, अर्नब को आपने माल बेचा है 6,000 रुपए का अगेंस्ट चेक, अब पेमेंट आपको मिल रही है चेक से, तो अब आपकी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे ही अगेंस्ट चेक बोला तो अब आपको पैसा मिल रहा है, अब आपकी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। और IGST लगाना है 12%। तो आइए देखते हैं पहले विदाउट, तो आपको पैसा मिलेगा तो आपका बैंक बढ़ेगा क्योंकि चेक मिलेगा, बैंक आपका एसेट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री हुई विदाउट, ये आपकी एंट्री हुई विदाउट GST 6,000 6,000। अब आप देखते हैं जीएसटी के साथ, यहां पे आपका IGST आया है, तो IGST का मतलब है ये आपकी इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट, क्योंकि IGST आपका जब लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो। तो एंट्री देखते हैं, बैंक तो आपका अभी भी डेबिट होगा, बैंक अकाउंट ये आपका अभी भी डेबिट होगा, टू सेल्स भी आएगा और टू इस बार आपका आएगा आउटपुट IGST, इस बार आपका आएगा आउटपुट IGST। बैंक आपका एसेट बढ़ेगा डेबिट, सेल्स आपका रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट, और जो आप GST कलेक्ट करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। तो पहले आप लिखेंगे सेल्स में, सेल्स आपकी 6,000 की है, इस पे आप GST लेंगे 12%, ये आपका होगा 720 और ये आप कर देंगे टोटल 6,720। तो 6,720 रुपये आपको रिसीव होंगे अर्नब से थ्रू चेक, यानी बैंक से पैसा मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पैसा मिलेगा बैंक डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, और जो आप GST लेंगे वो आपकी लाइबिलिटी है। तो GST जब कलेक्ट करते हैं उसका नाम है आउटपुट, और यहाँ पे IGST था तो आपने लिखा आउटपुट IGST। तो टोटल 6,000 प्लस 720, ये आपका खुद का पैसा है, ये आपको गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए आपकी लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को जोड़ के आपका टोटल बन गया 6,720 जो आप अर्नब से लेंगे, और वो आपको पैसा दे रहा है चेक से, इसलिए आपका बैंक डेबिट हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹5,000, इस बार फर्नीचर बेचा है अगेंस्ट चेक एंड चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। फिर से बोला CGST SGST, इट मींस ये आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सेम स्टेट। तो देखिए फर्नीचर बेचा है, पहले आप देखते हैं एंट्री विदाउट GST, आपको पैसा मिलेगा चेक से, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पैसा मिलेगा आपको चेक से, आपका बैंक बढ़ जाएगा, फर्नीचर आपका चला जाएगा, तो एक एसेट बढ़ेगा डेबिट, एक एसेट कम होगा क्रेडिट, 5,000 5,000, बिल्कुल सिंपल रूल है, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है क्रेडिट। तो फर्नीचर चला जाएगा क्रेडिट हो गया और बैंक आ जाएगा, चेक मिलेगा तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट हो गया। आइए एंट्री यहां देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। फर्नीचर में आप लिखेंगे 5,000 क्योंकि फर्नीचर तो आपका 5,000 का गया, इस पे आप GST भी लेंगे। जब भी आप सेल करेंगे चाहे फर्नीचर हो या गुड्स हो, मींस जब भी आप सर्विस देंगे या गुड्स बेचेंगे तो आपको GST रिसीव होगा, जब आपको GST रिसीव होगा तो आपकी लाइबिलिटी है जिसका नाम है आउटपुट, या तो आउटपुट CGST होगा या आउटपुट SGST होगा या आउटपुट IGST होगा। और जब भी आप परचेस करेंगे या तो गुड्स या कोई सर्विस लेंगे तो आपको टैक्स देना है, तो आपका या तो इनपुट CGST होगा या इनपुट SGST होगा या इनपुट IGST होगा। जो आप पे करते हैं वो आपका एसेट होता है डेबिट में आ जाता है, जो आप कलेक्ट करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होता है क्रेडिट में आ जाता है। तो ये आपका हो गया आउटपुट CGST 5,000 का 6%, 300 300, टोटल आपको मिलेगा उससे 5,600, जिसमें 5,000 तो आपका है, 300 आपको देना है गवर्नमेंट को, और ये 300 आपको देना है गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, सॉरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आइए और एंट्रीज देखते हैं, अब आपने मान लीजिए कोई सर्विस ली है, रेंट पे करा है, टेलीफोन बिल पे करा है या इंश्योरेंस पे करा है, तो GST केवल गुड्स पे नहीं लगता है, GST आपका है नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये आपको गुड्स पे भी पे करना है
और ये आपको सर्विसेज पे भी पे करना है, तो इसीलिए ये आपका गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। तो आपने रेंट पे करा, पेड रेंट। रेंट का मतलब है आपने कोई मकान आपने रेंट पे ले रखा होगा, तो ये आपकी एक सर्विसेज है, ये आपने एक सर्विस ली है। जिस पर्सन ने आपको रेंट पे मकान दिया है उस पर्सन ने आपको एक सर्विस दी है। तो आपने रेंट पे करा 5,000 रुपीज का, तो इस पे आपको जीएसटी देना है और एसजीएसटी देना है 6% ईच। जैसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है आप समझ जाइए ये आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन है, इंट्रास्टेट। इसीलिए आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। तो आप देखिए पहले एंट्री होती है, यहां पे लिखता हूं विदाउट जीएसटी और ये आपका विद जीएसटी। विदाउट जीएसटी में देखते हैं, आइए रेंट पे की एंट्री आपकी सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश में पे करेंगे तो कैश, चेक से पे करेंगे तो बैंक। 5,000 और 5,000, देखिए रेंट आपका एक्सपेंस है इंक्रीज हो गया, डेबिट कैश और बैंक आपका चला जाएगा, तो कैश बैंक एसेट है, डिक्रीज हो गया क्रेडिट। एक्सपेंस का रूल है बढ़ेगा डेबिट, कैश बैंक आपका एसेट है कम होगा क्रेडिट। रेंट आप पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने रेंट की सर्विसेज ले ली है, रेंट के नाम से आपका एक्सपेंस इनकर हो चुका है। तो जैसे खर्चा इनकर हो चुका है, एक्सपेंस इनकर हो चुका है, तो एक्सपेंस का मतलब इंक्रीज होना, रेंट पेड, इट मीन्स आपका रेंट एक्सपेंस इनकर हो चुका है तभी आप पे कर रहे हैं। पे नहीं भी करा होता तो भी आपने खर्चा तो कर ही लिया है, तो जब भी आप कोई खर्चा पे करें या पे ना भी करें इनकर होता है तो उसका मतलब है एक्सपेंस इंक्रीज होना, इसलिए रेंट डेबिट हुआ। और कैश बैंक आपका पे कर रहे हैं तो क्रेडिट हो गया। अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी बढ़ती। आइए अब देखते हैं विद जीएसटी। विद जीएसटी क्या है, आपने इतना तो लिखना ही लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी, तो बच्चों ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स भी देना है, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। तो मैंने आपको अभी बताया जब आप पे करते हैं तो आपके लिए इनपुट के नाम से पे करते हैं और वो आपका एसेट होता है, और जब आप रिसीव करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी होता है आउटपुट जीएसटी के नाम से। तो यहां पे आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आपने पे कितना करा, रेंट 5,000, रेंट तो 5,000 का ही है लेकिन इस पर टैक्स भी देना है 6%, तो 300 300 टोटल हो गया 5,600। आपकी जेब से पैसा 5,600 रुपये जाएगा, रेंट का तो 5,000 ही है लेकिन इस रेंट पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है जो 300 सीजीएसटी का है और 300 एसजीएसटी का है। तो जब भी आप पे करेंगे तो आपका इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट होगा, या तो इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी और या इनपुट आईजीएसटी, और कलेक्ट करेंगे तो आपका जीएसटी क्रेडिट होगा आउटपुट जीएसटी के नाम से, आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। ये आपका एसेट है क्योंकि आपको इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट मिलने का मतलब है जब आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है आउटपुट वाला, उसमें से आप ये इनपुट वाला लेस कर देंगे, जो नेट होगा वो पे करेंगे, इसीलिए आपका एसेट है क्योंकि आपको इसकी सेट ऑफ मिल जाती है, आपको इसकी सेट ऑफ मिल जाती है। ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा एक और सेपरेट लेक्चर में। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹2,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। सिंपल, टेलीफोन भी आपका एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। विदाउट जीएसटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल आपको एक्सपेंस को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होगा आपका डेबिट होगा और एसेट आपका कम हो जाएगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, यहां पे एंट्री क्या होगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप जीएसटी पे करेंगे इस पे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट
डेबिट, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट, टू आपका आ जाएगा कैश या बैंक। ये आपका हो गया कितना, ये आपका है 2000, इस पे आपका 6%, 6% होगा 120, 120 ये आपको हो गया 2240, 6 दूनी 12। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, इस पे आपको GST पे करना है 6%, तो 2000 का 6% इनपुट CGST 120, 2000 रुपये का 6% इनपुट SGST 120, टोटल आपकी जेब से निकलेगा 2240। मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। आप अपने घर का कभी टेलीफोन का बिल देखिए, या आपके घर में ब्रॉडबैंड का कोई कनेक्शन लगा है नेट का, आप उसका देखिए, तो वो GST मिला के आता है, और ब्रॉडबैंड पे आपका जो GST है वो 18% है, तो उसमें आप देखना, या तो 18% में 9% CGST होता होगा और 9% SGST होता होगा। आप अपने घर का कभी बिल देखेंगे तो आपको ये और बेटर क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप GST पे कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि आपने परचेज पे GST पे करना है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट, या तो इनपुट CGST होगा, या इनपुट SGST होगा, या इनपुट IGST होगा। ये आपका कब होगा, जब ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगी, ये आपका कब होगा, जब ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगी। इंटर स्टेट मीन्स सेम स्टेट, पंजाब की पंजाब में, दिल्ली की दिल्ली में। इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से कोलकाता। तब परचेस पे आप जो GST पे करते हैं उसका नाम है इनपुट GST। ये आपका एसेट होता है, ये आपका एसेट होता है। तो जब आप पे करेंगे तो आपका इनपुट या तो CGST, या इनपुट SGST, या इनपुट IGST के नाम से एसेट बढ़ेगा। तो आप जब पे करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि इसके रूप में आपका एसेट क्रिएट होगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा, जब आप सेल्स करेंगे या कोई सर्विस रेंडर करेंगे, या सेल करेंगे गुड्स की या कोई सर्विस रेंडर करेंगे, तो आपको GST कलेक्ट होगा, तो आपको GST कलेक्ट होगा। GST कलेक्ट को हम बोलते हैं आउटपुट GST, GST कलेक्ट को हम बोलते हैं आउटपुट GST। ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। ये आप तीन तरीके से पे करेंगे, या तो आउटपुट CGST, या आउटपुट SGST, या आउटपुट IGST। सेम कॉन्सेप्ट, अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो आपकी CGST SGST, अगर इंटर स्टेट सेल है तो आपकी IGST। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, जब आप परचेस पे करते हैं तो आपका इनपुट GST के नाम से डेबिट होता है, वो या तो CGST होगा, या SGST होगा, या IGST होगा। जब आप सेल्स करते हैं पे कर सॉरी जब आप सेल्स करते हैं तो आपको GST कलेक्ट होता है, GST कलेक्ट आपकी लाइबिलिटी है, उसका नाम है आउटपुट GST। तो या तो आउटपुट CGST होगा, या आउटपुट SGST होगा, या आउटपुट IGST होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, या आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नीचे अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सल ऑफ GST। रिवर्सल का मतलब क्या बच्चों, बड़ा सिंपल है, आप ध्यान सुनना, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर समझाऊंगा। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस होंगी, परिस्थितियां होंगी, जब इनपुट GST, या तो वो CGST होगा, या SGST होगा, या IGST होगा। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। CGST SGST कब होगा, जब आपकी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगी, और IGST कब होगा, जब आपकी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगी। तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इनपुट CGST, या इनपुट SGST, या इनपुट IGST, शॉर्टकट में इनपुट GST, मे हैव टू बी रिवर्स, हमें रिवर्स करना पड़ सकता है। रिवर्स का मतलब है क्रेडिटेड। आप याद करो, जब हम इनपुट GST पे करते हैं तो हम डेबिट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एंट्री में,
आपने जब जब इनपुट जीएसटी आया आपका चेक करिए डेबिट हुआ है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हुआ है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, फिर इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि जो आप पे करते हैं जीएसटी वो आपका एसेट है जिसका नाम है इनपुट जीएसटी, और जो आप रिसीव करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी है जिसका नाम है आउटपुट जीएसटी। तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इनपुट जीएसटी में हैव टू बी रिवर्स, आपको क्रेडिट करना पड़ सकता है। नॉर्मली आप डेबिट करते हैं, लेकिन आपको कब रिवर्स करना है, क्रेडिट करना है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। और सिमिलरली आउटपुट जीएसटी जो आपको मिलता है लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में हैव टू बी रिवर्स, डेट इज डेबिटेड। आउटपुट वाले को आप क्रेडिट करते थे, मैंने आपको अभी सिखाया था, आउटपुट वाले को आप क्रेडिट करते थे तो अब आउटपुट वाले को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। रिवर्स का मतलब है आपको डेबिट करना है। क्रेडिट आप कब करते थे, क्रेडिट आप करते थे, ये देखिए क्रेडिट आप करते थे जब आपको सेल करते थे, तो आप आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते थे, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते थे, लेकिन जब आपको रिवर्स करना होगा तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है अपोजिट, जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट और जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट। अब देखना है करना कब कब है, ये तो मीनिंग था रिवर्सल का, करना कब कब है और क्यों करना है ये आपको समझाता हूं। आइए, इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये आपको कुछ केसेस दे रखे हैं फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला क्या है, गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर, आपने सेलर को गुड्स वापस कर दिए, गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर, आपने सेलर गुड्स वापस कर दिए, ये आपकी क्या है, परचेस रिटर्न है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोली जाए तो ये आपकी परचेस रिटर्न है, क्योंकि जो आपने गुड्स खरीदे थे वो गुड्स आपने सेलर को वापस कर दिए। तो आइए और पढ़ते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं। गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, ये आपकी ड्रॉइंग्स होती है, ये आपकी ड्रॉइंग्स होती है। और क्या हो सकता है, गुड्स आर गिवन एज सैंपल, आपने फ्री सैंपल बांटे अपने प्रचार के लिए, आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं सारे केसेस नॉर्मल एंट्रीज में। या गुड्स लॉस्ट इन फायर थेफ्ट और बिकम नॉट सेलेबल, आपके गुड्स चोरी हो गए, जल गए या इस कंडीशन में नहीं कि बिक सकें, या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये आपका एक्सपेंस है, आपका लॉस है। तो इन केसेस में आपका इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए। गुड्स डेट वर परचेस पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, कॉस्टिंग रुपीज 2000, इनकी कॉस्टिंग कितनी थी, 2000 थी। गिवन एज सैंपल, आपने सैंपल के रूप में दे दिए, आप सबको याद होगा इसकी जर्नल एंट्री हम जब बनाते थे, ये मैं बता रहा हूं विदाउट जीएसटी, तो विदाउट जीएसटी इनकी एंट्री होती थी, आप जब सैंपल में देते थे एडवर्टाइजमेंट, जो आप फ्री सैंपल बांटते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाता था परचेसेस, क्योंकि जो गुड्स आपने बिजनेस में यूज नहीं करे उस परचेज को आपको क्रेडिट करना है। गुड्स आप खरीदते हैं परचेज डेबिट करते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है लेक्चर 4 में, सॉरी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है लेक्चर 4 में, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जो गुड्स आप अपने परचेज के लिए खरीदते हैं वो आप डेबिट करते हैं, जो गुड्स आपने यूज नहीं करे तो आपकी परचेज क्रेडिट हो जाती थी, तो ये सिंपल लिख दूंगा विदाउट जीएसटी में 2000। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ जीएसटी वाली एंट्री, एंट्री लिख देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट
एसजीएसटी अकाउंट। देखिए परचेसेस कितने की थी, गुड्स की कीमत थी 2000, तो 2000 रुपये से आपकी परचेस क्रेडिट हो जाएगी, 6% जीएसटी, तो 6 दूनी 12, 120 और 120, तो एंट्री तो आपकी हो गई 2240 रुपये से। ये अब आइए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ कि एंट्री कैसे बनी। देखिए जब हम गुड्स खरीदते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट, और मान लीजिए उस पर जीएसटी भी है, तो ये मैंने आपको अभी सिखाई है पिछले लेक्चर में, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर, उधार में होगा तो क्रेडिटर आ जाएगा, पेमेंट दी होगी चेक से तो बैंक आ जाएगा, नहीं तो कैश। आइए आगे सुनते हैं। ये आपकी नॉर्मल एंट्री होती है गुड्स परचेस करने की। अब आपने गुड्स परचेस करे थे मान लीजिए 2000 रुपीज़ के, मान लीजिए 5000 रुपीज़ के, और इस पे आपने 6% सीजीएसटी दिया था, 6% एसजीएसटी, तो ये आपका गया 300 300, और यहाँ पे आपका आ गया 5600। अब आप बताइए, ये एंट्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने आपको अच्छे सिखा दिए कई बार। अब आप इसमें से कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं, सॉरी इसमें से कुछ गुड्स यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने फ्री सैंपल देने के लिए, आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं, यानी आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो आप खुद बताइए, क्या ये जो गुड्स आपने खरीदे, क्या ये आपके बिजनेस में यूज हुए सेल करने के लिए? नहीं, ये आपके सेल करने के लिए यूज नहीं हुए। तो आपने जो खर्चा 5000 का दिखा रखा था वो गलत दिखा रखा था, मतलब वैसे तो सही दिखा रखा था, लेकिन अगर आप इसमें से 2000 रुपीज के गुड्स निकाल लेते हैं तो एक्चुअल में तो आपने बिजनेस में 3000 ही यूज करे, क्योंकि बाकी 2000 के तो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करे। तो आपको क्या करना होता है, आप कुछ नहीं करते, आप अपनी परचेज को क्रेडिट कर देते थे। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर 4 में बता रखा है कि जब आपके गुड्स बिजनेस में यूज नहीं होंगे तो जितने रुपए से वो आपने परचेस डेबिट करी थी उतने रुपए से आपकी परचेस क्रेडिट हो जाएगी। तो मैंने 2 परचेसेस कर दिया। अब इन 2000 पे आपने कुछ टैक्स भी दिया होगा, तो जब आपकी परचेस भी डेबिट नहीं रही क्रेडिट हो गई, जब आपका खर्चा ही कम हो गया, जब आपने अपने एक्सपेंस को ही कम कर दिया, तो उस पर जो आपने टैक्स दिया है, जो उस पर आपने टैक्स दिया है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अब थोड़ी 300 रुपए की छूट देगी। पहले आपने 300 300 पे करा था 5000 पे, तो गवर्नमेंट आपको इस 300 रुपए का भी सेट ऑफ देती, इस 300 का भी सेट ऑफ देती। सेट ऑफ मीन्स जब आप अपना टैक्स पे करते तो ये 600 रुपए लेस कर पाते, लेकिन एक्चुअल में तो आपने 2000 रुपए गुड्स यूज करे ही नहीं बिजनेस में। तो आपने जितने की गुड्स बिजनेस में यूज नहीं करे उतने का आपको जीएसटी भी अब क्रेडिट करना है। तो आपका इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। 2000 का कितने परसेंट है, आप 5 नहीं ले रहे यहाँ पे, क्योंकि आपने 2000 के वापस करे हैं, 3 की तो मिलेगी क्रेडिट। 2000 का 6% होता है 120, और यहाँ पे आपने यूज करें एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा 2240 से। तो यही एंट्री में लिखी है, आइए देखते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, जब आइए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। जब भी आपके गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, या तो आपने फ्री सैंपल में दिए हों, या ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हों डेट इज ड्रॉइंग्स, या आपने गुड्स आपके लॉस हो गए हों स्टॉक बाय फायर बाय फायर, या फिर आपने गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल में दिए हों, तो जब भी आपके गुड्स कम होंगे तो आपकी परचेसेस क्रेडिट होगी, और जो आपने उस समय परचेस पे टैक्स लगाया था, जो आपने परचेस पे जीएसटी पे करा था, तो आप याद करिए जब आप परचेस करते हो तो आप जीएसटी डेबिट करते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप परचेस करते हो तो आप जीएसटी डेबिट करते हो, तो जितने का भी आपने उस समय टैक्स दिया था जीएसटी पे,
जितने अभी आपने टैक्स पे करा था इनपुट जीएसटी के नाम से, उतने वाले पार्ट को जितने के गुड्स आप वापस कर देंगे, जितने के गुड्स आप वापस कर देंगे, आई रिपीट, जितने के गुड्स आप यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे बिजनेस में, उतने रुपए से आपकी परचेसेस क्रिएट हो जाएगी और उसी अमाउंट का जीएसटी आपको क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 के परचेस करे थे लेकिन 2,000 के यूज कर रहा था, तो 2,000 रुपीज की परचेस क्रिएट हुई तो जीएसटी 5,000 पर नहीं लेना है, जीएसटी मुझे 2,000 पर ही लेना है क्योंकि उतने का ही जीएसटी मेरा कम होगा। तो आपका जितना परचेस क्रिएट हुई उतने अमाउंट पे जीएसटी क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप रट भी सकते हैं, वैसे तो समझाया मैंने कि जब भी आपकी परचेस क्रिएट होगी तो जितना भी आपने उस पर जीएसटी पे करा है उतना जीएसटी आप उस पर क्रिएट कर देंगे। अगर वो सीजीएसटी एसजीएसटी था तो आप इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेंगे, अगर वो आईजीएसटी था तो आप उस पर इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी दो एग्जाम्पल और हैं और बेटर क्लियरिटी लेते हैं। आइए देखते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी कॉस्टिंग ₹1,000 डेट वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। आप जब चैरिटी में गुड्स देते थे तो आप एंट्री करते थे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती थी। विदाउट जीएसटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चैरिटी आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है और जो गुड्स आपने बिजनेस में यूज नहीं करे उससे आपकी परचेसेस क्रिएट हो जाती है। यहां पे देखिए क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। चैरिटी में आप कितना लिखेंगे 2,240, परचेसेस में आप कितना लिखेंगे, सॉरी अमाउंट गलती से लिख दिया मैंने, आइए देखते हैं अमाउंट कैसे पुट होगा। चैरिटी टू परचेसेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, आपने कितने गुड्स दिए चैरिटी में 1,000 के, तो परचेसेस आपकी 1,000 से कम हो जाएगी और जितने की परचेस कम होगी उतने का आप उस पर जीएसटी लगा देंगे जो आपको रिवर्स करना है। तो 6% आपका हो गया 60 रुपीज और 60 रुपीज, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,120, 1,060 प्लस 60 1,120। तो चैरिटी टू परचेस आप करते ही करते थे तो जब भी आपकी परचेस क्रिएट होगी आपको उस परचेस पे उसका जीएसटी भी रिवर्स करना है, क्योंकि जब आप परचेस करते हैं गुड्स तो आप जीएसटी डेबिट करते हैं। तो जब आपकी परचेस क्रिएट हो गई, जब आपके गुड्स ही बिजनेस में यूज नहीं हुए तो आपको उस परचेसेस के जीएसटी को भी क्रेडिट करना है, इसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, गुड्स परचेस्ड पेइंग आईजीएसटी एट द रेट 12% वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आपके गुड्स लॉस हो गए हैं, कैसे, फायर से। तो यहां पे आप एंट्री करते थे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, विदाउट जीएसटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहां पे आप लिख देते थे अमाउंट, अमाउंट नहीं लिखा है, मान लीजिए 1,200, तो यहां पे आपका आ गया 1,200 और 1,200। अब लॉस बाय फायर आपको पता है आपका एक्सपेंस का नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, और परचेस भी आपका एक्सपेंस है, जो गुड्स आपके बिजनेस में यूज नहीं हुए उस वाले आपको परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, तो परचेस आपकी कम हो गई क्रेडिट। यहां पे देखिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। पुट करेंगे आप परचेसेस में कितना लिखेंगे 1,200 रुपीज और 12% आपका आईजीएसटी है, सॉरी यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी आएगा, मैंने देखा नहीं,
तो 1200 का 12% आपका होता है 144, 144, ये आपका टोटल हो गया 1344 रुपये। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, जब भी आपके गुड्स कम होंगे तो परचेस क्रिएट होगी, और उस परचेस पे जो आपने जीएसटी पे किया था वो आप पहले डेबिट करते थे, जब आप परचेस क्रिएट करेंगे तो उस पे जो भी आपने जीएसटी पे करा है, या तो इनपुट आईजीएसटी होगा या इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी होगा, वो आपको क्रेडिट करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब आपका जीएसटी का एक लेक्चर और लगेगा, उसमें आपका जीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको जीएसटी में मास्टरी हो जाएगी अपने 11th और 12th के अकाउंटेंसी लेवल पर, कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनपुट जीएसटी आपका एसेट क्यों है और आउटपुट जीएसटी आपका लायबिलिटी क्यों है। वैसे तो आपको अभी भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद कि इनपुट जीएसटी आपका एसेट क्यों है और आउटपुट जीएसटी आपकी लायबिलिटी क्यों है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में जीएसटी के, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको चैनल का काम पसंद आ रहा हो मेरे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।